विधायक मोहन मते के जन्मदिन के अवसर पर 28 दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक दक्षिण नागपुर में एक भव्य कला एवं खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। पत्र परिषद के दौरान मोहन मते ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के स्कूली छात्रों और एथलीटों को कई खेल खेलने का अवसर मिलेगा और इस टूर्नामेंट से एथलीटों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेरा मानना है कि जो एथलीट खेल के विभिन्न क्षेत्रों में खेल रहे हैं, वे इस महोत्सव के कारण अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और शीर्ष पर पहुंचेंगे। 20-21 स्पर्धेचं आयोजन या दक्षिण नागपुरातल्या मुलांकरता केलेला आहे। क्रीडाच्या स्पर्धेत एक म्हणजे ॲथलेटिक्स करणार आपण, पण एक मॅरेथॉन म्हणजे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी मुलांनी त्याच्यात भाग घ्यावा, सायकलिंग आणि वेगवेगळ्या जे दक्षिण नागपुरातले मुलं ज्या जे गेम खेळतात मॅक्झिमम त्या गेमवर जास्त हे भर दिला आहे आणि कलाक्षेत्राच्या माध्यमातून त्यांचा कलाक्षेत्रात त्यांचा विकास व्हावा या दृष्टीने एक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर एक चित्रकला स्पर्धा शालेय विद्यार्थ्यांकरता आणि मुलांकरता महिलांकरता मुलींकरता एक रांगोळी स्पर्धा, त्या स्पर्धेत अनेक लोक सहभागी होणार आहे। त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 350वा हा राज्याभिषेक वर्ष असल्यामुळं यावर्षी दक्षिण नागपुरात एक शिवशाही जाणता राज्याच्या धर्तीवर शिवशाही त्याच्यापेक्षा मोठा कार्यक्रम 7 सेलिब्रिटी त्याच्यात राहणार आहे असे आम्ही एक नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखलेला आहे आणि दक्षिण नागपुरात दरवेळेस कमीत कमी क्रीडा कला क्रीडा महोत्सव व्हावा असं आमचं म्हणणं आहे, आमचे प्रयत्न आहे। इसी के साथ पत्र परिषद में विविध खेलों की जानकारी दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।